फ्रेंड्स, मैंने अपने लोकल स्टोर से ये एंटी थेफ्ट अलार्म ख़रीदा है मेरे बाइक के लिए। तो चलिए इसमें क्या क्या है अभी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है ये जो JS 2017 8 मंथ का है, ये अपना मेन यूनिट है। और ये की आई है इसके साथ, जिसमें कि सेल्फ स्टार्टर, अनलॉक, व्हीकल फाइंडर और लॉक सिस्टम है, जिसे हम अपने बाइक के की के हिसाब से बनवा सकते हैं। और अगला ये जो है ये रिमोट है, सिर्फ ये दिखने में एक कार जैसा है। और इसमें लॉक, इसमें भी सेम फीचर्स हैं, लॉक, अनलॉक, सेल्फ स्टार्टर, व्हीकल फाइंडर। और ये बजर है इसका, शायद इसमें 7 मेलोडीज आते हैं। और इसके वायर्स हैं, वायर्स को कैसे लगाना है मैं आपको ये बाद में बता दूंगा। और इसमें ये जो है डबल साइडेड टेप है, जिससे हम हमारी यूनिट को हमारे बाइक से लगवा सकते हैं। और इसका मैनुअल है। देखिए, मैनुअल यूनिट, मोटरसाइकिल सिक्योरिटी डिवाइस, यूसेज इंफॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड, इस पर लिखा है कनेक्शन डायग्राम। ये तो हमको समझ में नहीं आएगा, ये इसके बाद इसे बाजू रख देते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो देखते रहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मैं वो अलार्म जो है मैं अपने पल्सर 150 में लगाने वाला हूँ, तो मैं आपको बता दूँगा कौन सा कनेक्शन और कौन सी कलर की वायर कहाँ लगानी है। तो चलिए लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमको अपना साइड डोर ओपन करना है, जो यहाँ पे कील डाल के आप चाबी डाल के ओपन कर सकते हैं। आपको ऐसे बाहर खींचना है और ऐसे बाहर खींचना है। और यहाँ पे एक वायर लगी होती है, वायर खींचने से सीट आपका निकल जाएगा। ठीक है, मेरे भाई के मदद लेता हूँ। ऐसे थोड़ा खोल देना यार, सीट ऊपर उठा दे। ठीक है, हमने हमारा सीट निकाल दिया है। तो ये BS4 बाइक है हमारी। तो आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर के राइट लेफ्ट वायर्स होते हैं उसमें कनेक्शन देने पड़ेंगे। और स्टार्टर रिले ये जो यहाँ होता है, इसमें एक सॉकेट होता है, ये छोटा वाला सॉकेट, उसमें भी आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। और यहाँ इसमें एक मरून वाला वायर होता है, वो वायर में भी आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इसमें लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें इतने शायद इसमें 8 वायर या 9 वायर हैं, इसमें से 2 येलो वायर हैं, ये हम लेफ्ट और राइट इंडिकेटर के पॉजिटिव पे लगाएंगे। और ये ब्लू वाला जो वायर है स्टार्टर रिले पे लगाएंगे। और ये ऑरेंज वाला है, ये हम चाबी ऑफ करने पर पावर सप्लाई जब बंद हो जाती है वो उस पर लगाएंगे। और ये रेड और ब्लैक वाला वायर है, ये तो आपको पता ही है, ब्लैक वायर आ जाएगा बैटरी के माइनस पॉइंट पे और रेड वाला जाएगा बैटरी के प्लस पॉइंट पे। तो चलिए लगाते हैं इसको। फ्रेंड्स, मेरे बाइक में मैंने पहले से ही जो यहाँ पे दो ये दिशा आपको ब्लिंकर्स वो लगाए हुए हैं, इसलिए मैंने इस सॉकेट पर टेप डाला हुआ है। अभी चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। ब्रो, जस्ट होल्ड इट ब्रो, इसे ही पकड़े रखना। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रे वाला है और ग्रीन वाला है, ये होते हैं ये शायद रफ्तार राइट का, तो मुझको पता नहीं, मैंने ठीक से देखा नहीं आपको इस पर किस पे कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पर एक ब्लैक और येलो का है वायर है, ये वायर सब में कॉमन होता है, इसका मतलब ये है नेगेटिव है। और ये ग्रीन वाला जो है पॉजिटिव, और ये येलो टाइप में है थोड़ा, शायद ये हो भी पॉजिटिव है। हमको इस पे ही वो वायर कनेक्ट करने हैं। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यूनिट में ये येलो वायर्स हैं, इनको हमें कनेक्ट करना है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लगाने पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हमारे बाइक का फ्यूज़ जो है वो ही उड़ेगा, हमारी बाइक को कोई वायरिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो देखिए ऐसे लगाना है, इसको ऐसा लगा देना है और हो गया, ये कनेक्शन हो गया। और ग्रीन वाली वायर जो है इसे भी ठीक तरह से हम ऐसे ही कर देंगे। तो येलो वायर हमारी जो है एक तो कनेक्ट कर दी हमने, और दूसरी वायर जो है वो कनेक्ट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमको ग्रीन वाले पे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट कर देंगे ग्रीन वाले पे, इसे अच्छे तरह फिक्स कर लें बाद में। ये फ्रेंड्स ये भी चल गया, इसे भी ऐसे ही कनेक्ट कर लें। ठीक तरह से लगा देंगे फ्रेंड। इसके बाद इस पर हम टेप कर देंगे, वो मैं बाद में कर लूँगा। हाँ, अब इसमें प्रेजेंट जो हमने दो वायर तो लगवा दिए, और ये दो वायर जो हैं जो कि रोज़ कलर और ग्रे कलर में हैं, ये दो वायरों का हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ये दो वायर सिर्फ 2005 के पहले बाइकों में यूज़ हो सकता था, क्योंकि उसमें सेल्फ स्टार्टर नहीं होता था। तो हम इसमें सेल्फ स्टार्टर है हमारी बाइक में, तो इसलिए हम ये ब्लू और ऑरेंज वाला ही अब इसमें कनेक्ट करेंगे, और ये दो जाएंगे बैटरी पे। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, मैं कहाँ कहाँ कनेक्ट करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जाएगा हमारी ये जो स्टार्टर रिले जो है ये उस पर जाएगा, इस पर ब्लैक कलर का है, हाँ ब्लैक कलर जो है उस पर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया, मैं टेम्पररी अब ये लगा रहा हूँ, आपको दिखाने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से फिक्स कर दूँगा। और ये ऑरेंज वाली जाएगी जहाँ पे हमारी चाबी जो है वो चाबी ऑफ करने पर जहाँ जाती है हम उसे वहाँ लगवा देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पल्सर BS4 बाइक्स को इस तरह दिया है इस कंपनी वालों ने। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है इसमें मरून कलर वायर दिख रही है आपको, शायद ये मरून कलर वायर है, डस्ट ज़्यादा हो गई है इसलिए नहीं दिख रही ठीक से, वो मरून कलर वायर में हम इसे इंस्टॉल कर देंगे, जो है इसमें लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने लगवा दी ठीक से, और ये वायर जो दो हैं ब्लैक और रेड कलर के, इसे हम बैटरी पे लगाएंगे। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, हम बैटरी पे कैसे लगाएंगे, 1 मिनट। रेड वाली वायर को भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम इसे लगवा देंगे, 1 मिनट में काम हो जाएगा। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया है, कुछ ही देर का काम बाकी है। मैं आपको ये सिर्फ टेम्पररी के लिए दिखा रहा हूँ, आप इसे फिक्स भी कर ले सकते हैं। जहाँ मैंने सॉकेट में सिर्फ अटैच किए हैं वहाँ आप जो वायर सॉकेट में मैं कनेक्शन दिए हैं वहाँ कट करके उसमें भी जॉइंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें अब ये बजर जो है इसका, ये बजर कनेक्ट करेंगे। बजर कनेक्ट करने के बाद हमारा ये इसका मतलब है कि बजर एक्टिवेट हुए। ठीक है, हम इसे लगा देंगे और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वायरिंग जो है कि पूरी कर ली है मैंने वायरिंग, और मैं यहाँ पे बजर का कनेक्शन जो है कि मैंने निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो थोड़े गुस्से लोग हैं, साउंड ज़्यादा आएगा तो वो मेरे पर गुस्सा करेंगे। तो आप देखिए कि कीली हम ऑफ़ कर दिए, चाबी जो ऑफ़ कर दिए, देखिए ये चाबी जो है इससे हम दो बार पर सेल्फ
ये बात बताना चाहूँगा कि पल्सर पे आप अगर ये लगाना चाहते हैं तो इंजन किल स्विच ये जो होता है ये कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ कंट्रोल में। कंट्रोल में रखिए इसको अगर आप रिमोट से बाइक चालू करना चाहते हैं। तो देखिए ये वाली जो की है, दो बार दबाने से आपकी बाइक जो है स्टार्ट हो जाएगी। देखिए चाबी तो अभी आप में है, चाबी मैंने निकाल दी, देखिए ऑन में ही है ना। और अब आप करना चाहते हैं, देखिए ये जो बटन है लॉक वाला बटन दबाने पर बाइक ऑफ हो जाएगी और आपको सिक्योरिटी ये अलार्म मिलेगा, तो आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कर देने पर हो गया। आप देखिए ये जो है व्हीकल फेंडर है, ये व्हीकल फेंडर स्विच है, ये अलार्म वाला जो अलार्म की आपको दिख रहा है ये व्हीकल फेंडर है। तो हम इसको दबाने से देखिए हमारे इंडिकेटर्स के ब्लिंक हो गए हैं, ब्लिंक हो रहे हैं अभी। अब अगर आप पार्किंग में कहीं पर रख दिए तो ये आपको बहुत कम आएगा। और उसके बाद जो है लॉक स्विच है, लॉक का बटन दबाने पर ये इंडिकेटर्स जो हैं एक बार ब्लिंक हुए, आप शायद आप देखा नहीं, देखिए ठीक से देखिए एक बार ब्लिंक हो गए, हाँ या काम कर रहा है। और इसके बाद जो है कि अगर आप अलार्म एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद जो आप चाबी है वो ओरिजिनल चाबी है, ये चाबी डालकर आप स्टार्ट करने पर देखिए ये इंडिकेटर जो है चालू हो जाएगा। मैं बटन निकाल दिया है इसलिए आपको साउंड नहीं आ रहा है, वरना इसका साउंड बहुत अच्छा आ रहा था। देखिए फ्रेंड्स शायद अपने देख रहे होंगे लॉक हो गया है। देखिए फ्रेंड्स चाबी ऑफ कर दिया, सेल्फ स्टार्टर का तो देखिए कमाल। देखिए सेल्फ स्टार्टर स्विच दो है, मैंने दो बार दबा दिया, बाइक स्टार्ट हो गई। अगर आप ये ही इंजन किल स्विच पर रखे स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने हाँ बाइक ऑफ कर दी है, देखिए डिस्प्ले भी ऑफ हो गया है। अब देखिए मैं दो बार सेल्फ स्विच दबाऊंगा, सिर्फ सेल्फ मोटर स्टार्ट होगा कि बाइक नहीं स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ये किल स्विच जो है ये ऑन में रखना पड़ेगा। और इसके बाद दो बार सेल्फ का स्विच दबाएंगे तो आपकी बाइक जस्ट स्टार्ट हो गई। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, मैंने अपने लोकल स्टोर में से इसे सिर्फ 700 रुपये में ख़रीदा है। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड्स। और मैं अपनी बाइक पर और भी मॉडिफिकेशन करूँगा, जैसे कि मैं ये बम्पर मॉडिफाई किया है अपनी बाइक पे, तो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने बाइक का अलार्म साउंड बाद में सुनवाऊँगा, मैं इसलिए वहाँ नहीं सुना सका क्योंकि वहाँ थोड़े गुस्से लोग रहते हैं जो ज़्यादा सुनने से परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने घर के बैक साइड वाली प्लेस पर आ गया हूँ जहाँ काफ़ी ओपन एरिया है, तो यहाँ कोई परेशान होगा नहीं होगा इस साउंड से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपनी बाइक का साउंड सुनाता हूँ, तो चलिए सुनते हैं मैं अपनी बाइक का साउंड। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पल्सर 150, इसको ही मैंने अलार्म लगाया था। तो देखिए ये इसका रिमोट है, ये वाला जो है इसका रिमोट है, इसमें है लॉक अनलॉक सेल्फ स्टार्टर और व्हीकल फेंडर। तो चलिए चेक करते हैं कि सभी सिस्टम्स में ऐसा कैसे साउंड आता है। तो देखिए फर्स्ट वाला है जो लॉक वाला है, तो देखिए ये एक बार लाइट ब्लिंक हुई और लॉक हो गई, और अनलॉक करने पर दो बार लाइट ब्लिंक होंगी और ऑफ हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी। इसके बाद जो है सेल्फ स्टार्टर है, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इंजन किल स्विच जो होता है वो कंट्रोल पे होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ कंट्रोल पे रखिए। सेल्फ स्टार्टर बटन जो है इसको आपको दो बार दबाना चाहिए, एक दो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चाबी भी नहीं है और चाबी जो है वो ऑफ मोड पर भी है, तो वो गाड़ी चालू हो गई है। देखिए फ्रेंड्स मेरी बाइक जो है वो चालू हो गई है। और इसके बाद आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप ये अनलॉक बटन प्रेस कर सकते हैं, तो बाइक ऑफ हो जाएगी। और जो आप जो व्हीकल फेंडर यूज़ करना चाहते हैं, व्हीकल फेंडर भी सेम फीचर है, जिससे कि तीन वैल्यूज आती हैं। देखिए ये है व्हीकल फेंडर, और इसे प्रेस करने पर बाइक ऐसे आवाज़ करती है जिसे आप बाइक का पता लगा सकते हैं। और इसमें और एक भी फीचर भी है फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लॉक कर देते हैं बाइक को, लॉक कर दिया आपने, और ये जो है कि ओरिजिनल की है इसकी, और इसकी को आपने डाला और ऑन कर दिया। ये अलार्म जब तक बजता रहेगा तब तक के आप चाबी ऑफ करके अनलॉक नहीं प्रेस कर देते। तो मैं अनलॉक प्रेस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, बाइक तो अनलॉक हो गई। तो अब मैं कहूँगा कि एक सिक्योरिटी, ये अलार्म सिस्टम जो है बाइक्स के लिए, ये आपको कंपलसरी लगवाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में कई बाइक लोग चोरी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपके बाइक में आप अलार्म ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक अच्छा फीचर है। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते। अमेज़ॉन और शॉपक्लूज़ जैसे साइट्स, ऑनलाइन साइट्स पे आपको ये आराम से मिल जाएगा। अगर आपको और भी कम प्राइस में चाहिए तो आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से बार्गेन करके भी ख़रीद सकते हैं। तो ये है मेरी पल्सर बाइक है, जिसमें मैंने बम्पर मॉडिफाई किया है, देख सकते हैं आप बम्पर। और मैं भी अभी काफ़ी मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ मेरी बाइक में, तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, मैं वीडियो अपलोड भी करता रहूँगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।